सो के उठ गए हैं हम लोग। अभी श्रेया के नानी के घर में ही हैं। होली में आए थे, होली के बाद हम लोग घूमने गए पूरी पूरी यानी कि उड़ीसा में, और वहाँ पर और भी जो कुछ कुछ था वो सब देखे थे, धौली स्तूप और नंदन कानन जू और ये शिवलिंग का क्या नाम था लिंगराज, सब वहाँ घूम के हम लोग आए। श्रेया के पापा यहाँ आए थे। आप लोग क्या बोलेंगे, क्या मैंने से लेकिन फ्रेंड्स अभी सो के उठे हैं। तो देखिए अभी मेरा बिस्तर यहाँ पर सरियाया हुआ भी नहीं है, तो ये देखिए अभी सब बिखरा हुआ। तो मैं अभी आप लोग से बात करने के लिए मिल शुरू कर ली, पर अभी मेरा बिस्तर सरियाना है। श्रेया तो खेल रही, चलिए आपको श्रेया को दिखा देते हैं। ये देखिए, ये देखो श्रेया बैट बॉल लेके रेडी हो गया है। बॉल तुम भी रखी थी ना कल, नाना छुपाए थे ना इन बॉल, इन लोग का नाना छुपा दिए थे। लोग शाम को बहुत बॉल खेल रही थी, बैट बॉल। ये देखो इसको, एक तो देखो इसको, एक तो देखो इसको, एक तो देखो। नाना इधर कहीं बॉल छुपा दिए हैं, हम लोग जानते। नाना से पूछो, चलिए बन चलते हैं। ये देखिए मम्मी भी, मम्मी किचन में घुस रही है, चाय वाय बनाई है सुबह में, अभी नाश्ता का कुछ तैयारी कर रही है। और मैं चल रही हूँ अपना बिस्तर की तरफ, बिस्तर सरिया लेते हैं। और अभी मेरा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मैं थोड़ा फ्रेश होके आई हूँ बाथरूम से, उसके बाद सोची चलो बेड सरिया लेते हैं। बेड सरिया लेते हैं। कल को फ्रेंड्स बारिश हुआ था परसों, कल तो बारिश नहीं हुआ पर दिन भर धूप नहीं आया, इसीलिए ठंडा काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। पंखा भी धीरे कम में था तब पर भी ठंडा काफ़ी ज़्यादा ही लग रहा था। चलिए कंबल तो सरियाना हो गया। कमर में ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है श्रेया के होने के पहले, थोड़ा दर्द होता था, उसके बाद उसके होने के बाद से काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है सुबह उठने के बाद, पता नहीं क्यों। और मुझे सोने के बाद मेरे से उठा बैठा नहीं जाता, मतलब इतना ही दर्द होता है। अगर आप लोगों के पास कोई उपाय होगा तो हमको मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। अभी देखिए ना बैठने उठने में भी मेरी तकलीफ़ हो रहा है, सुबह सुबह बहुत दिक्कत का बात हो गया है मेरे लिए, मतलब कमर एकदम पकड़ के रखता है मेरा। धीरे 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 मतलब ठीक होता है दोपहर तक बहुत दर्द होता है। तो बिस्तर बिछाना देखिए हो गया है, ये देखिए इधर हो गया, इधर भी हो गया है। और ये सब कपड़ा हम लोग का पहनने का ही है, नहा के पहनेंगे क्योंकि अपना घर पे नहीं, अभी श्रेया के नानी के घर में, तो थोड़ा कपड़ा इधर उधर है अभी। ये देखिए हम लोग का सामान ऐसा रखा हुआ है, अभी हम लोग जब खा जाएंगे तो वहाँ सही सजा लेंगे। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अभी छोटा सा मेरा ब्लॉग, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।